साथियों, कोई प्रतियोगिता परीक्षा जब हम दिलाते हैं तो उस प्रतियोगिता परीक्षा में गणित के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, और इस गणित के प्रश्न को जो सरलता से हल कर लेता है वह सफल हो जाता है। तो इस गणित के जो आपके मन में भय बैठा हुआ है, उस भय को दूर करने के लिए मालिक राम वर्माचार्य जी आपके समक्ष हैं। देखिए, आज आप लोगों के मांग पर ही गणित में 3 अंकों की गुणा सरलता से कैसे करते हैं ये बताने जा रहे हैं। कोई भी हम प्रश्न ले लेते हैं, जैसे 472 गुणित 643। ये प्रश्न लिए और जब प्रश्न लेते हैं तो हम देखते हैं कि इस प्रश्न को कम समय में हम सरलता पूर्वक सही ढंग से कैसे हल करते हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इकाई इकाई का गुणा करेंगे, तो इकाई इकाई का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6। फिर इकाई और दहाई का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हाँ, और 7 × 21 = 8, 21 होता है 29, 29 का 9 हासिल 2। उसके बाद इकाई और सैकड़ा का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दहाई का लंबवत देखेंगे, 4 × 3 = 12 और 6 × 2 = 12, 12 × 12 = 24 और 24 और 7 × 2 = 28, 24 × 28 होता है 52, 52 × 2 = 54, 54 × 4 = 5। उसके बाद हम इकाई के अंक को छोड़ेंगे और दहाई सैकड़ा का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 × 7 = 42 और 42 × 4 = 16, 42 × 6 = 48, 10 × 58, 58 × 5 = 63, हासिल 6। उसके बाद दहाई के अंक को छोड़ दिए, 6 × 24 और 24 × 6 = 30। इस प्रकार से एक ही पंक्ति में 3 अंकों के गुणा को हम बिना रब कार्य के आसानी से कर सकते हैं। साथियों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो YouTube पर मालिक राम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने चिर परिचितों को, आपके व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जिससे सभी इस प्रश्न को सीख जाए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।